से क्या करेंगे? करेंगे। पहले पहले मेंटी के साथ शुरू है? बहुत मजा आएगा। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन उसके बाद आपका पूरा प्रैक्टिस पेपर जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इस लाइव वीडियो में राइटिंग ग्रामर लिटरेचर एनोलिटिकल पैरा लेटर राइटिंग आपका ग्रामर के सैंपल क्वेश्चन एडिटिंग ओमेशन सब कुछ एंड पीपल लिटरेचर के शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर बेटा होमवर्क आपको फिर से अमित सर आज दे रहे हैं दो लंबे लंबे पैसेजेस फैक्चुअल एंड डिस्कसिव मुझे एक दो बच्चों ने बोला था सो वाई डोंट यू डिस्कस पैसेजेस इन अ लाइव वीडियो तो बेटा देखो पैसेजेस ऑनेस्टली आपको पढ़ के सॉल्व करना है अगर आपको गुरु चाहिए वॉच अमित सर के ऑन फैक्चुअल एंड पैसेज लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है ठीक है अगर हम डिस्कस करेंगे हम पढ़ते रह जाएंगे आपके प्रैक्टिस नहीं होगा इसीलिए नंबर के साथ इसको समाप्त करेंगे मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो चलो मेरे होमवर्क के सुपरस्टार्स कम हो रहे हैं बेटा आज का दिन होमवर्क जरूर करना आपका नाम यहाँ पे आएगा जोल सी एन अमर एक मुथो वीर एंड माई संबल अली, चुमी हाई फाई। okay, आर्मी अमित शाह लेकर आ रहे हैं बी टी एस का पब्लिक डिमांड पे इंडिया कॉन्सर्ट वाला People, हो चुका है।, है कल आ जाना चलो सपोज यू आर नॉट अ बीटीएस फैन तो बेटा कल 4 बजे जुड़ जाना चाय का कप या दूध का ग्लास लेके ग्रामरोलॉजी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे पीपल डू नॉट फॉरगेट कल का दिन बहुत एक्साइटिंग है उसके बाद बेटा फ्लो चार्ट बेस्ड एनालिटिकल पैरा परसों दोपहर 2 दो बजे क्रिटिकल वीडियो है डू नॉट मिस ठीक है आपका प्रैक्टिस पेपर लेके 5 आऊंगा

One five eight zero two three six five. One five eight zero two three six five. please go to www.menti.com and use the code one five eight zero two three six five. One five eight zero two three six five. 8 0 2

इन पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बेटा अभी आग लगाओ मेंटी में ऑल द बेस्ट अभी को अरे लावण्य ऑल द बेस्ट द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज वी विल हैव टू पुट ऑन पुट ओ पुट अवे पुट ओ एफ द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज बताओ रे इजी पीजी ओके अभिषेक ए के आर <laughs> हेलो भाई माधवेंद्र बेटा आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर मोटिवेशन डोंट वरी सुपर नॉट बैड बेटा 56% गॉट इट पुट ऑन अरे बेटा पुट ऑन मतलब यू पुट ऑन क्लोथ यू पुट ऑन वेट पहनना को होता है हमको ये मीटिंग को कैंसिल करनी पड़ेगी रीस्केड्यूल करना पड़ेगा तो मतलब पुट ऑफ एफ पुट ऑफ Put OF, कुछ नहीं होता है put away, put put away clothes, put away है बेटा बेटा मतलब उठा के रखना ठीक इसमें कर रहे हैं मेरे बच्चे तो फेक ना ना चलो रॉय आर्यन चिराग फ्रेंड्स तनिषा मार्स बड़ा पाओ आई <laughs> रिमेंबर प्रयाग शेरशाह एंड माई श्रीजू पीपल अगला वेंटी का सवाल ऑल द बेस्ट वी गो

Oh no. Oh no. यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है मतलब कूड यू आर नॉट श्योर बेटा वुड इज जस्ट पास टेंस वुड नहीं ठीक है मतलब वुड इज ऑल्सो अ पास्ट हैबिट ठीक है शुड इज एडवाइस वुड है वुड हैव ड्राइव बेटा ड्राई वर्ड भी तो देखो तो ग्रामेटिकली देखना पड़ेगा आंसर इज इज पॉसिबिलिटी मॉडल वर्ब्स अगर डाउट है अमित सर का मॉडल वर्ब्स का वीडियो देखो चलो लीड अबोट एंड वे करेंगे ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ऑल द बेस्ट चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू फ्रेल टी वो एनर्जी इंटेंसिटी वेहमींस और स्ट्रेंथ फ्रेल पीपल इजी पीजी हेलो तनिष्का अभी देखो बेटा मैजिक मैजिक सर देखो सबको छोड़ो कुल देवता ओपी मेरी माता रानी मेरे कुल देवता ने मेरे को बोला वेहमि बट बेटा आई वांट टू आस्क यू डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ वेहस अरे सर छोड़ो ना सुनने में क्या लगता है वेमेंस ऐसे मार्क करने का सर जो वर्ड सबसे ज्यादा अतरंगी लगे उसको मार्क करने का सर दैट इज द सीक्रेट आई एम टेलिंग यू बेटा हम इतनी पिटाई एग्ज़ाम के हॉल में तुमको मारेंगे हम चप्पल से कुछ भी कर रहे हो इंटेंसिटी है

Finished, was finished, had finished, not finished. Watching the movie, he told me, "Hello, my Swankar." People, बहुत आसान है। इसमें सही मिस्टेक मत करना बेटा। Time is up. अरे had had finished had finished मतलब के उसने खत्म कर दिया था he was finished मतलब वो खत्म हो चुका था मूवी देखने के बाद तुम खत्म नहीं होते हो मूवी खत्म होती है तो ऐसे हरकतें मत करो Is present tense है, है. यहाँ पे past tense की बात चल रही है And what do you mean by he not finished है बेटा ऐसा तो नहीं है ना did you eat me not eat ऐसा तो नहीं बात करते हो ना आप सिली मिस्टेक कर रहे हो मेरे टेंथ के बच्चे ऐसा बिहेव करेंगे हे भगवान चलो पीपल इस मेंटी का आखिरी सवाल में बेस्टो बिफोर दिस योर आई डैश मूव आउट ऑफ माई पेरेंट्स हाउस बिकॉज आई डिड नॉट है जॉब आई मे नॉट आई कैन नॉट आई शुड नॉट आई कुड नॉट बिकॉज आई डिड नॉट अ जॉब कर्व ऑन पीपल टेंस पहचानो श गुप्ता आई हेटेड यू गुड हिंदी आंसर प्रियांशु बेटा आप इंग्लिश सेशन में हिंदी आंसर क्यों पूछ रहे हो हमको नहीं आता हिंदी आंसर चलो नॉट बैड मेजोरिटी को फिर भी आ गया बेटा टेंडल्स मे नॉट प्रेजेंट है कैन नॉट प्रेजेंट है शुड नॉट एडवाइज है बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की आई डिड नॉट

पतला स्लाइस सबसे मोटा स्लाइस अच्छा मेजोरिटी कौन सा है माइनॉरिटी कौन सा ये याद रखो तो बेटा यहाँ पे देखो क्या क्या है प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच होल्ड टाइप बोले तो अलग अलग है है ठीक है? अच्छा पीपल उसके बाद उसका कैटेगरी देखो सिंगल एज कपल सिंगल विदाउट चिल्ड्रेन कपल विदाउट चिल्ड्रेन सोल पेरेंट्स सोल पेरेंट्स मतलब सिंगल सिंगल पेरेंट्स कपल विद चिल्ड्रेन ऑल हाउस होल्ड ये सब कुछ आ गया ठीक है चलो कृष्णा शर्मा थैंक यू सो मच फॉर वेस्टिंग योर टाइम बाय चलो

क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है अच्छा सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर द सेकंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन विद ट्वेंटी फोर परसेंट तो बेटा यहां पे सिंगल सिंगल विदाउट ये वाला पार्ट ठीक है आपने ये भी हाईलाइट कर दिया सो so, मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम अभी उल्टा करो पीपल लीस्ट करो ठीक है

थोड़ा उससे माइनर एंड क्लब करके बाकी बता दो हो गए चार ट्रेंड्स आपको लिखने हैं खाली ठीक है चलो ओवरऑल 14% ऑफ ऑल हाउसहोल्ड्स इन द यूके वर लिविंग अंडर पॉवर्टी मतलब सबके सब बेचारे सब बहुत पुअर थे यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन देयर एजेड काउंटर पार्ट्स काउंटर पार्ट्स मतलब के उनके बड़े वाले लोग मतलब कि ज्यादा यंग लोग पॉवर्टी में रहते हैं व्हिच इज है। सो सैड

यू आर सोहन शिल्पा प्रोपराइटर ऑफ एम एस अग्रवाल सर्जिकल्स नारायणा न्यू डेली तो आपका नाम आ गया सेंडर्स एड्रेस आ गया प्लेस एन ऑर्डर फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तो बेटा ऑर्डर फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपका सब्जेक्ट लाइन आ गया कॉपी पेस्ट कर रहा है यार ठीक है दैट यू विश टू परचेज फॉर योर फर्म राइट अ लेटर टू मैनेजर डोंट फॉर्गेट टू राइट द मैनेजर एम एस एबीसी सर्जिकल एंड कंपनी असफरी रोड टू सेंड आइटम्स बेटा विद डिस्काउंट हाफ मार्क कटेगा अगर आपने डिस्काउंट वर्ड मैंशन नहीं किया है तो डू नॉट फरगेट दैट ठीक है अरे मनजोत सिंह क्या बात है स आई यू एंड शिखा गुड मॉर्निंग डेट पूछ रहे हैं अभी एक महीने के पहले एग्जाम के चलो एम एस अग्रवाल नारायण न्यू डेली फोर्टीन तो आपका यह हो गया सेंडर्स एड्रेस फिर यह आ गया डेट फिर बेटा डेजिग्नेशन एंड आपका आ गया रिसीवर्स एड्रेस बेटा सब्जेक्ट प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट खाता लेटर टू प्लेस एंड ऑर्डर ऑर्डर लेटर फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट चार या पांच शब्द बस चलो अबिन कृष्णा नो डेजिग्नेशन डोंट राइट सिंपल चलो पीपल डियर सर डियर मैम रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम माय डियर सर लिखे हो तो हम चप्पल ओपी ठीक है आर अप्रिशिएटेड द क्वालिटी ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय योर शॉप ऑल दीज इयर्स एंड द करंट ईयर इज नो एक्सेप्शन कितना सुंदर लिखे हो तो आप पहले ही बोल रहे हो कि देखो साल दर साल तो हमारा रिश्ता है इस साल भी आपसे लेंगे नॉट ओनली इज द क्वालिटी गुड बट द डिलीवरी इज ऑलवेज टाइमली खत्म ठीक है तो आपने बैकग्राउंड दे दिया आपने रेफरेंस दे दिया आपको चाहिए तो ये दोनों सेंटेंस छोड़ के आप लिख सकते हो कि रेफरेंस टू आर आई विश टू प्लेस ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स काइंडली सेंड दीज आइटम्स टू आर फॉर्म एट द अब अड्रेस थ्रू योर ट्रांसपोर्ट केयरफुल पीपल ऑर्डर लेटर में टेबल ओपी

ठीक है उसके आगे उसका कलर लिख दो ब्रांड लिख दो क्वांटिटी लिख दो प्राइस लिख दो नंबर ऑफ आइटम्स लिख दो कुछ भी लिख दो नो प्रॉब्लम एट ऑल ठीक है चलो ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन वेल पैक्ड एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंडली गिव अस डिस्काउंट ये लाइन हाफ मार्क्स कटेगा अगर नहीं लिखोगे रिमेंबर लेटर राइटिंग में फाइव आउट ऑफ फाइव पॉसिबल है हंड्रेड परसेंट क्योंकि एग्जामिनर्स को बोला गया है एग्जामिनर्स देते हैं अमित सर ने देखा है बेटा 515 लेके आना प्लीज ठीक है चलो अरे सुमित क्या हाल है बेटा अभी देखो अभी अभी मस्ती बंद अभी सारे बच्चे मेरे को चैट में आंसर करेंगे बेटा एडिटिंग एंड ओमिशन ठीक है तो एक लाइन इज रॉन्ग पीपल आपको गलत वर्ड भी बताना है सही वर्ड भी बताना है नील एम वर द कमांडर ऑफ अपोलो 11 तो वर नहीं वॉज नेक्स्ट लाइन में बताओ ही वॉज द फर्स्ट टू वॉक टॉन ही वॉज द फर्स्ट टू आर रे सर वॉक नहीं आएगा वॉक आएगा ऑन द मून वॉट मच पीपल डू नॉट अगला द मून वॉट मच पीपल डू नॉट वॉट मच पीपल डू नॉट येस रिगार्ड दिज ओके असरा नो प्रॉब्लम सैनरा यू नीड टू राइट सेपरेट येस मैनी आएगा सर वो मच पीपल नहीं मैनी आएगा बेटा वॉक अगला वाला न्यू इज दैट अनलाइक मोस्ट ऑफ इज फेलो वॉट मेनी पीपल डू नॉट न्यू इज दैट अनलाइक मोस्ट ऑफ इज people डू नॉट न्यू इज दैट अनलाइक मोस्ट ऑफ इज फेलो थर्ड वाला वाला अरे क्या बात है सुपर ठीक है सो फर्स्ट इज वॉक सेकेंड इज many पीपल न्यू नहीं नो no. वॉट many पीपल डू नॉट नो अरे मजा आ गया चलो सो पीपल थ्री मार्क्स का एक्सपेक्टेड है ये आएगा टू मार्क्स का बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अभी तोड़ो चलो मन्नू बोल रहा है अन्नू अन्नू को आर यू गोइंग गोइंग टू टू ठीक है आई एम द मार्केट डू यू वॉन्ट एनीथिंग पीपल मन्नू आस्ट अन्नू ये बताओ रिपोर्टेड स्पीच में मन्नू आस्ट अन्नू मन्नू आस्ट अन्नू मन्नू आस्ट अन्नू अरे सिंपल क्या बात है मनु आज अनु वेर ही वॉज सैंड्रा क्या बात है और मजा आ गया संदर सुपर अनु रिप्लाई डैश पीपल अनु रिप्लाई डैश अनु रिप्लाई डैश अनु रिप्लाई डैश अनु रिप्लाई डैश अनु रिप्लाई डैश

अब लिटरेचर बेटा लिटरेचर को खत्म करेंगे फिर मेंटी डॉट कॉम पर चलेंगे अभी गेट रेडी टू तो आंसर आंसर एनी सिक्स क्वेश्चन बेटा हाउ डिड वाली सेव मनी लिखो चैट में हाउ डिड वाली सेव मनी हाउ डिड वाली सेव मनी वाली दीदी -दी ने पैसे कैसे सेव किए सुपर इजी है हाउ डिड वाली सेव मनी हाउ डिड वाली सेव मनी

पेपरमेंट टॉयज बलून्स एंड राइड ऑन द मेरी गोराउंड एट द विलेज फेयर टू सेव मनी बेटा ये दोनों सेंटेंस लिखोगे तो जाके टू मार्क्स मिलेंगे अगर इसमें से समझो कि बलून्स भूल गए टॉयज भूल गए फिर भी दो मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन मेरी गोराउंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बहुत कंट्रोल किया वो ना चढ़ने के लिए पीपल इंपॉर्टेंट है चलो अगला सवाल हाउ हाउ द अबाउट मेडो स्टार्ट लिखो बेटा ब्रिलियंट है क्या बात है सुमित पटेल बेटा आप और बोलो आपको क्या प्रोडक्ट गिफ्ट चाहिए और बताओ जल्दी बताओ लिखो लिखो पीपल हाउ डज द आर्ग्यूमेंट अबाउट ऑक्सिन मेडो स्टार्ट हाउ सुपर इजी है बोथ लोमोव एंड नटालिया आर आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर

Drone, बेटा हम आपको ऐसे नहीं बता सकते ना क्या करना करना है है आपको आपको करके जाना है, जो आपको ऐसा लगे चलो so, बेटा जलवा जलवा ध्यान दो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है पंक्चुएशन का क्या इंपॉर्टेंस है वाई हैज द पोएट यूज एक्सक्लमेशन मार्क इन अमेंडा बताओ कमेंट ऑन द टाइटल बेटा ये हम सुपर थर्टी में कवर करा चुके हैं लेकिन बताओ 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 जल्दी जल्दी बताओ पीपल वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन ये एक्सप्लोमेशन क्यू बताओ बताओ चलो सुपरूटली मैं खुश आग लो बेटा क्या बात है पंक्एशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इट इज यूज्ड टू क्रिएट सेंस क्लैरिटी एंड स्ट्रेस इन सेंटेंसेस तो बेटा ये, ये इतना लिखने के लिए आपको वन मार्क मिलेगा कि पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट क्यों है तो उसमें आपको दो वाक्य लिखने चाहिए लिखने आने चाहिए इट इज टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज आफ्टर अमेंडा टू शो द मदर सरप्राइज आप मदर का एंगर या नैगिंग नेचर भी बोल सकते हो ऑन सींग अमेंडा अमेंडा इज सल्की मूडी गर्ल विच अपसेट द मदर बेटा इस लिखने के लिए वन मार्क तो आपको दो वाक्य लिखने पड़ेंगे पंक्चुएशन पे दो वाक्य के अमेंडा पोयम में पंक्चुएशन अपना एक्सक्लेमेशन मार्क का पर्पस क्या है तो मिलेगा दो मार्क्स ठीक है चलो पीपल आरे ओ माय गॉड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरे सारे बच्चे अभी अमित सर को पूछ रहे हैं कि सर अगले साल क्या करें तो बेटा अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ठीक है कॉमर्स है ह्यूमैनिटीज है आर्ट्स है एनडीए है यूपीएससी है, है सब कुछ है डोंट वरी लेकिन वो बच्चे जो स्पेसिफिकली आईआईटी और नीट देना चाहते हैं सुन लो ये बहुत क्रिटिकल है क्यों ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि बेटा ये बहुत एक्सपेंसिव है ठीक है और इसमें को, हमें ये नहीं चाहिए कि आपके पैसे वेस्ट हो दैट इज वन सेकेंड बेटा अगले पिछले साल के आईआईटी के रिजल्ट्स में एडवांस जेई के रिजल्ट्स में वेदांतु के सिक्स परसेंट बच्चे आईआईटी में जा मतलब टोटल आईआईटी में अगर सौ बच्चे हैं छः बच्चे वेदांतु के पास आउट इतना रिमेंबर ये नंबर हम इस साल ट्रिपल करने वाले हैं हमारा टारगेट है अच्छा आई और NEET की ट्रेनिंग मार्केट में टिपिकली 1.8 पॉइंट लैक्स पर एनम होती है ऑलमोस्ट टू लैक्स मतलब दो साल का ये ट्रेनिंग का कोर्स होता है बेटा चार लाख का वेदांतो आपको ये दे रहा है लेस देन 60,000 में फॉर बोथ द इयर्स, जिसमें आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आपको बताते हैं एनरोल कैसे करना है और क्या करना है इसमें लेट्सी चलो तो बेटा YouTube.com पे आप जाओगे ठीक है उसके अंदर जाने के बाद इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंफ्यूज नहीं होगे देखो आपको वीडियो में जाना है बेटा वीडियो के नीचे जाके आपको वो लिंक में जाना है विद इन द लिंक एज यू ऑब्जर्व देर आज गोइंग टू बी आपका दृष्टि जी दृष्टि बैच है दृष्टि नीच है और दृष्टि जेई है अभी आप मेडिकल लेना चाहते हो कि आई दोनों के दोनों सेम है समझो आपने क्लिक किया ऑन जेई मेन यहाँ पे जाके आपको कंट्रोल करना है बेटा ये दो साल का कोर्स है इसमें आपको क्या मिलता है पूरा प्रेपरेशन फॉर जेई 2024 मतलब दो साल एंड आपका पूरा ग्रेड टेन का टर्म टू रिविजन इंक्लूडेड है यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा क्योंकि अभी आपके बोर्ड में एक महीना बाकी है इनफैक्ट हाँ अभी एक महीना पांच दिन बाकी है बेटा आपके पास तीन किला प्रोडक्ट है प्रो लाइट है जिसपे सीधा अमित सर का कूपन कोड ए आर प्रो के साथ 25% डिस्काउंट कर दिया बेटा दिस इज एट फिफ्टी फोर थाउजेंड फॉर टू ईयर्स फिफ्टी फोर का हाफ क्या होता है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी 27,000 ट्वेंटी थाउजेंड पर ईयर बोले तो टू थाउजेंड पर मंथ

इससे मम्मी पापा का हर महीने खाली दो दो हजार कटेंगे दो साल निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा द बेस्ट वे टू स्टडी इज दिस ताकि ज्यादा प्रेशर नहीं आए घर पे और आप सीरियसली पढ़ाई भी करोगे दिस इज माय हम्बल सजेशन अच्छा अभी मेरे बच्चे जो मेरे को पूछ रहे थे कि सर व्हाट अबाउट एन तो बेटा एन का कोर्स यहाँ पे है आपको क्लास टेन में जाके आपका आपको सेलेक्ट करना है आपको क्या लेना है सी कॉमर्स का भी है ड्रोना बैच का भी है दृष्टि भी है आपका बोर्ड का बुकिंग भी है ठीक है महाराष्ट्र बोर्ड का भी बुकिंग है दो बेसिकली रहे हैं ठीक है तो बेटा आपका यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड का, का रिविजन मिलेगा आपको इंग्लिश ग्रामर का मास्टर गुरु बनाएंगे बेटा आपको छोड़ेंगे नहीं टर्थ विच आई थिंक इज दूलेस्ट बाप ऑफ मैथ बनोगे आप यहां महा सकते हो ठीक है ऑन वेदिक मैच, मेंटल मैच, शॉर्टकट्स इन मैच, एवरीथिंग एंड वी विल प्रिपेयर यू फॉर ऑल दई एम ओ होनएसओ हो ओलिम्पियाड हो एन टी एस हो इंक्लूडेड है बेटा यहाँ पे जो आप ये फीस देखते हो इस पे ऑलरेडी अच्छा ये कोड अलग है तो बेटा आपको यहां पे जाके ARO Pro 1 लगाना है दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट अगर ARO Pro काम नहीं करे ARO Pro 1 लगाओ इमीडिएटली 30% डिस्काउंट हो जाएगा ठीक है 15 डेज का ट्रायल है बारह 1200 का इसमें लगाओगे होपा कूपन कोड 30 डेज का हो जाएगा 1 मंथ का ट्रायल ले लो बेटा इसमें तत्व बुक नहीं मिलेगा तत्व बुक के लिए आपको बाय कंप्लीट कोर्स में लेना पड़ेगा इसमें अंदर जाके

डॉट कॉम ठीक है चलो पीपल बट अनाम यू आर इग्नोरिंग मी वाई पीपल वेड परसेंट बेटा आने वाला है अमित सर की भविष्यवाणी लिखो चैट में लिखो चैट में अरे योगराज क्या बात है बेटा कैसे देंगे हमें आई वॉन्ट ओटी पचीस दिशा पता नहीं समझा नहीं मेरे को बेटा वॉट इज देंट्रल आइडिया ऑफ एनिमल्स क्या बात है चलो तो बेटा ये ये तो 100 है animals हाँ cooler, animals हाँ better, ये poet बोलता है बोलता बेटा इफ यू का नाम या आपके ऑथर का नाम एग्जामिनर खुश होगा तो जहां पे आपको 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं शायद टू मिल जाए मार्क्स कटेंगे नहीं लेकिन बटेंगे अगर नाम लिखोगे तो ठीक है पोएट फाइंड फॉर ह्यूमन सफरिंग अभी आपको ब्रॉडली लिखना है ज्यादा लंबा नहीं लिखना है एनिमल्स क्यों अच्छे हैं क्यों हैं उसके हिसाब से बताओ ह्यूमन आर डन विद सेल्फिश मोटिव

हाँ विश्व विश्रवजीत सिंह बेटा आपको क्वेश्चन पेपर भी दे दे आप बता दो खाली 110 परसेंट आएगा ठीक है चलो पीपल वॉन्टेड कस्टर्ड डू वेन ही सॉ द पायलट मतलब तोड़ दो यार सबसे ज्यादा आसान है ऑसम एट डोंट मेक वन ऑफ ह्यूनिमल्स ठीक है पीपल कस्टर्ड ने क्या किया जब पायरेट दिखा लिखो आंसर लिखो आंसर लिखो आंसर लिखो आंसर ठीक है कस्टर्ड ने क्या किया बेटा कस्टर्ड ने क्या किया बहुत ईजी है When custard saw the pirate, पहली बात तो he jumped up, ठीक है, emitting an explosive sound and clashed his tail on the floor. बेटा ये सब कुछ is onomatopoeia, ठीक है, ये सब sound words हैं. Then with a loud rattling sound he went to the pirate and ate the pirate hurriedly, noisily and completely. दो sentences, दो marks के काफी है, बस इतना ही लिखना है, और कुछ भी नहीं है. हाँ, gobbled up, सब कुछ, etc. सब कुछ चलेगा.

लास्ट सवाल फिर लॉन्ग आंसर्स गिव टू पॉइंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट भोली दीदी का वेडिंग वाज अ ग्रैंड वन बेटा जलवा क्वेश्चन एंड हंड्रेड परसेंट भविष्यवाणी क्वेश्चन भोली दीदी की शादी बड़े पैमाने पे थी प्रूव करो ये भी तक एक बार भी सवाल मैंने नहीं पूछा ये पहली बार पूछ रहा हूं सुपर सवाल है लिखो भोली मैरिज वॉज फिक्स विद विशाम्बर बेटा विशाम्बर की स्पेलिंग गलत मत लिखना हु हैड अग शॉप

कोई भी फोर लिख लो टू तो तो प्रूव दैट इट वॉजेंगेबल वो तो होने वाला है एंड वी नीड टू ओवरकम सफरिंग एंड पेन दैट फॉलो बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द लेसन बेटा राइट ऑन हाउ वन शुड कोप डेथ ऑफ अ वन तो अभी आपको ये लेसन में क्या बोल रहे हैं इसमें ठीक है इस पे बता रहे हैं कि आपने जो सीखा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करो पीपल बहुत अच्छा सवाल है बताओ कैसे करोगे प्रोसेशन मतलब बारात विश्वा ठीक है बताओ क्या करेंगे क्या करेंगे चलो डेथ सोरोज एंड पेन आर रियालिटी बेटा पहली बात तो यह होना है ठीक है नो वन कैन डिनाई इट बट इट इज ह्यूमन नेचर टू बी ग्रीव ऑन द पर्सनल लॉसेज हंड्रेड परसेंट उदासी तो होगी ऑल्दो एवरी वन नोज दैट वन हुस बर्थ हैज डाई नो वन ऑन दिस अर्थ इज इमोटल मतलब यह साइकिल चलती रहेगी जो आएगा वो जाएगा गौतम बुद्ध डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट पेन्स

ठीक है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ हैक ड्राइवर ये सेम क्वेश्चन बेटा हम नेकलेस में भी आपको पूछेंगे नेकलेस और हैक ड्राइवर चैप्टर का कंपेरिजन में भी पूछेंगे देख लेना ठीक है लिखो लिखो लिखो

चार सेंटेंसेस में पूरा का पूरा बैकग्राउंड दे दिया उसके अच्छे-अच्छे के बारे में तो तो मतलब कि लट, तो को क्या लगा? क्या लगा लटकिंस लटकिंस अरे बंदा ही ही इवन फॉरगेट्स ऑल अबाउट बट नेक्स्ट डे फाइंड्स अच्छा अंदर से फ्रॉडवा पूरा का पूरा चिटर ठीक है आखिरी सवाल इसके बाद मेंटी पे चलेंगे वॉट इंफॉर्मेशन डू यू गैदर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टी आफ्टर रीडिंग द लेसन टी फ्रॉम आसाम बेटा इस पे एक और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आसाम इज टी कंट्री या यू आर इन टी कंट्री नाउ ठीक है ये भी आएगा जस्टिफाई चलो तो वो छोटा आएगा ये लंबा आंसर है ठीक है चलो पीपल टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इवन द दर्ड चैफ एंड चीनी आर चाइनीज ठीक है इट गोज बैक टू ट्वेंटी का पूरा आंसर फैक्चुअल है बेटा बेस्ट आपको खाली याद करना है खुद से कुछ सोचना नहीं है ठीक है आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड देर आर लार्ज ग्रुप्स ऑफ ग्रुपन विद बैम्बू बट दे प्लक द न्यूली स्प्राउटेड स्प्राउटेड मतलब के ग्रोन टी लीव फ्रॉम द प्लांट्स एंड स्टोर इन द बास्कट अच्छा अच्छा वाला ठीक है Dunder People of me. होमवर्क लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हम टाइम दे रहे हैं होमवर्क करने के लिए बेटा कल के बाद भी होमवर्क करो दिस इज योर पैसेज नंबर वन बेटा ये आपका डिस्कसि पैसेज है ठीक है देख लो पूरा का पूरा इतना लंबा पैसेज आएगा इसके बाद आपके सारे के सारे हमने सवाल डाल दिए हैं बेटा इसके आंसर्स हम पी में डाल देंगे आपको क्या करना है पहले पढ़ के सॉल्व करना है कॉमेंट सेक्शन में आंसर डालने हैं और जब पीडीएफ डालेंगे उसमें आंसर्स कंपेयर करने हैं सो यू विल गेट दी आंसर्स ठीक है चलो पीपल अगला फैक्चुअल पैसेज सेम टू सेम टू सेम है बेटा इसमें भी आपको ये सारे आंसर्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में छोड़ना है बेटा इसको बहुत सीरियसली लो प्रैक्टिस करो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विदाउट प्रैक्टिसिंग नहीं आएगा रिमेंबर दैट इसका कोई शॉर्टकट शॉर्टकट नहीं है अगर कोई बोल रहा shortcut है शॉर्टकट है झूठ है है चलो सो so पीपल इसी के साथ मेन्टी डॉट कॉम पे चलते हैं जल्दी जल्दी पहले अमित सर आपको याद दिला दे आपको करना क्या है बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स है अगर आप प्री बुकिंग के लिंक पे जाओगे तो बेटा ग्रेड टेन सीबीएससी महाराष्ट्र बोर्ड आईसीएसई ग्रेड नाइन ग्रेड एट सारे के सारे प्री बुकिंग है तीन प्रोडक्ट है हमारे कूपन कोड ए आर है इसके अलावा बेटा अगर आप ठीक है अपने जेई या नीट के उसमें जाओगे तो बेटा यहां पे आपको वापस से तीन प्रोडक्ट्स है यहां पे कूपन कोड ए आर ओ प्रो अप्लाइड है आपको ए आर ओ प्रो लगाना डिस्काउंट लेना है विदाउट फेल एंड ज्वाइन करना है द कूलेस्ट एंड द बेस्ट बेटा जल्दी ज्वाइन करो आज डिस्काउंट थर्टी टू परसेंट है कल टेन परसेंट हो जाएगा यू विल मिस आउट ऑन ट्वेंटी परसेंट एडिशनल डिस्काउंट चलो लेट्स गो टू जाओ सारे बच्चे डब्ल्यू 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 डॉट द कोड नाइन जीरो सेवन एट सेवन सिक्स

इन बार पहला सवाल आपके स्क्रीन पे इंपोर्ट बहुत फंडामेंटी आई प्रॉमिस यू चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू प्रिवेंट प्रिवेंट प्रोटेक्ट ब्लॉक हिंडर इंड्यूस पीपल प्रिवेंट का ऑपोजिट uh, बेटा हमको आपकी बात समझ में नहीं आ रही है निहा यार क्या बैचेस देंगे हमको परचेस क्या करना है जाके उसमें सेलेक्ट करके परचेस करो ठीक है Not bad, Not bad. 49% got it. Amit sir is super happy beta. Dekho, prevent मतलब के avoid करना, prevent मतलब के नहीं करना, induce मतलब के support करना, induce मतलब के करवाना. बेटा hinder, block is the same as prevent. Same. ठीक है? Protect. अब मतलब उसका opposite is harm. चलो, leader board बेटा end में देखेंगे. Question number two. All the best. Here we go.

82 God, है बेटा, अभी है, हमको बहुत खुशी हुई देखो अभी यू आर नॉट श्योर पीपल माइट मतलब के सबसे लो एज माइट ठीक है सो आई थिंक आई माइट है मुझे लग तो नहीं रहा है शायद ऐसा ही है पीपल शैल इज फ्यूचर नहीं आप पास्ट की बात कर रहे हो ठीक है मस्ट इज प्रेजेंट ऑट टू इज एडवाइस यू ऑट टू डू दिस यू ऑट आपका मॉरल ड्यूटी है तो so बीपल सिली मिस्टेक्स मत करो अगर डाउट है मॉडल वर्ब्स का वीडियो देखो चलो अगला सवाल ऑल द बेस्ट यूर आर डूइंग अ ग्रेट जॉब पीपल हियर वी गो वी हैव टू रश डैश मिस द लास्ट बस होम वी हैव टू रश वी नीडेंट मिस वी कुंट मिस वी मिस वी शुडंट मिसास्ट बस होम इजी बिजी रिंटू कुमार बेटा माइट आई हेल्प यू चलेगा लेकिन माइट इज ऑल्सो वेरी लो पॉसिबिलिटी बेटा मोडल्स का वीडियो देखो थैंक यू माई मंजोत ओ ये गॉट इट इतनी पिटाई तुम सबकी

नो पीपल फुल कर सारे में चेक विश्वा बेटा हमारे मॉडल्स का वीडियो देखा ना सबसे सब पता चलेगा आपको परसेंटेज बताए चलो पीपल अगला सवाल एवरीबडी कम ऑन अब कमर कसके ऑल द बेस्ट यूल कैन डू इट इफ यू हैव बीन टू कम ना आई वुड है

चलो पीपल इसी के साथ इस मेंटी का आखिरी सवाल ऑल द बेस्ट यू कैन डू गो सर भाई इंक्रूडर वांट्स टू टेक जेरार्ड विपुल कुमार बेटा हमने ये सुपर थर्टी में डिस्कस किया देखो हमारे वीडियो यू डैश है यू वुडेंट हैवर्ड यू माइटेंट हैव डन इट ऑलरेडी इजी पीजी पीपल अरे साहुल आई एम सो प्राउड मेरी जान सुपर तुम जान टाइम इज अप ओ नो अपरे वाह बेटा नीडेंट होगा नीडेंट मतलब नीड नॉट नीड इज अ सेमी मॉडल सेमी मॉडल मतलब करना है तो करो नहीं करना है तो मत करो बेटा स्टूडेंट मतलब एडवाइस है shouldn't मतलब कि अच्छी अच्छी चीजें यू शुड ब्रश योर टीथ यू शुडेंट ईट चॉकलेट बिकॉज इट विल स्पॉइल योर टीथ थीथेंट हैबिट्स पे जाता है बार बार ये साउंड गुड मत करो हैश टैग सो यू शुडेंट है हमारे मॉडल्स का वीडियो देखो मॉडल्स में धज्जिया है सबके सब मेरे बच्चों की चलो इसी के साथ फाइनल ईडअबोर्ट पीपल जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना कमेंट सेक्शन में होमवर्क जरूर कर देना बेटा कल एलॉजी और वीटीएस टी एस में जुड़ जाना टू मच फन गारंटीड है इसी के साथ रुद्रांश चुमी एंड हाई फाई यू रुद्रांश प्रयाग चिड़िया अस्तित्व यामी सावित्री श्लोक सिंपल लिली एंड माय यू हनी चलो थैंक यू सो मच पीपल फॉर अटेंडिंग माय वीडियो अमित विल बी बैक विद अ लॉट रॉकिंग वीडियोस तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ऑफ